नमस्कार दर्शकों, मैं हूं भूपेश कालरा और आप देख रहे हैं प्रातः दर्पण न्यूज। समय हो चला है कुछ खास खबरों का। अमीर हो या गरीब, सर्दी सबको बराबर लगती है, तो इस कड़ाके की सर्दी के बीच शिकोहाबाद के एटा रोड स्थित आरडी रिजॉर्ट में रोटी बैंक संस्था द्वारा गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 5,000 से अधिक लोगों को कंबल बांटे गए। नगर के एटा रोड स्थित आरडी रिसोर्ट में रोटी बैंक संस्था द्वारा गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 5,000 से अधिक लोगों को कंबल बांटे गए। अध्यक्षता पूर्व चेयरमैन रघुवर दयाल गुप्ता ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी थे। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि सहित अन्य अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जिसके बाद नगर के समाज सेवी दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, जिनकी कोई जाति नहीं है, इस भारत के नागरिक हैं, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं, जो अंत्योदय की श्रेणी में आते हैं, जो समाज के दूरस्थ स्थान पर रहते हैं, रहने को मकान नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, ऐसे समाज के वे वंचित लोग समाज के उन लोगों के द्वारा जो समाज की सेवा में अग्रणी है, यहाँ जो रोटी बैंक बनी है और उसका जो ट्रस्ट है, जिसमें महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी लोग मिलकर उनकी चिंता करते हैं। अगर आप सच पूछें तो समाज का यह भाग इन कमजोर लोगों की जो सेवा करता है वो ईश्वरीय सेवा है, और जहाँ ईश्वरीय सेवा का भाव जुड़ जाए वो अंत्योदय से निकाल कर उजाले की ओर ले जाने का काम करता है। सर, जिस तरह से रोटी बैंक लगातार एक बहुत बड़े स्तर पर काम कर रही है, लगातार गरीबों की सेवा कर रही है, आज किस तरह का प्रोग्राम था? आज कंबल वितरण का प्रोग्राम था। 5,000 पर्चियों पर 6,000 कंबल बट रहे थे, जिसके हमारे मुख्य अतिथि रक्तांत के श्री रजनीकांत महेश्वरी जी भाजपा के अध्यक्ष थे, और सुखवाद विधायक, सचिवालय विधायक, पूर्व मंत्री जयवीर अंकल जी, पप्पू लोधी जी, मानंद जी, राकेश अग्रवाल जी, पापा जी, काफी उपस्थित थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के सहयोग से गरीबों की सेवा का जो संकल्प लिया गया है वह सराहनीय है। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए फिरोजाबाद से श्री रवि की रिपोर्ट।